अस्सलामु अलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली, अल्लाह ताला के शुक्र के साथ आज का व्लॉग शुरू करते हैं। बालों का ये हाल इसलिए हुआ हुआ है कि मैं अभी नहा के आई हूँ और अभी मैंने ब्रश नहीं किया है। मुझे अभी जाना है जनाब, टाइम हो गए हैं 5 बजे और मुझे इस बात का डाउट है कि शायद मार्केट बंद हो जाती है 6 बजे। मुझे आज लेना है रेफ्रिजरेटर और रेफ्रिजरेटर के लिए मैंने सोचा हुआ कि मैं डॉलेंस लूँगी और डॉलेंस के साथ एक बड़ा ही मज़ेदार किस्सा भी जुड़ा हुआ है, वो भी मैं आपको बताऊंगी कि वो किस्सा क्या है। तो चलें अब चलते हैं मार्केट में, आप मेरे साथ साथ होंगे। वैसे पहले से मैंने जहन बनाया हुआ है, ये अलग बात है कि मैं कुछ और ना लेकर आ जाऊं। जी तो मैं घर से निकल गई हूँ, गाड़ी पर हूँ और अभी हम लोग जाएंगे मार्केट। उसके लिए हमने जो मार्केट सेलेक्ट की है वो है जनाब आबिद मार्केट। लाहौर के अंदर आबिद मार्केट एक लोकल मार्केट है लेकिन वो मेन मार्केट है। वहाँ पर आपको तमाम वो ब्रांड्स मिलते हैं जिसके बारे में अभी वो लेटेस्ट होते हैं और अभी वो मार्केट में नए नए आए होते हैं। ओहो धूप पड़ रही है। तो अगर आप वैसे आमतौर पे आउटलेट्स पे जाएं तो वो आपको पुराने वाले मॉडल्स भी बेच देते हैं और ऐसा हमारे साथ कई बार हो चुका है कि आपको सेम प्राइस में पुराने मॉडल्स बेचते हैं, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले होते हैं ना, इनके पास बड़े धंधे होते हैं जी आपको बेवकूफ़ बनाने के। तो जब आप मार्केट से कोई चीज़ ख़रीदते हैं तो फिर आप वहाँ पे कंपटीशन होता है तो वो आपको सही चीज़ देते हैं। तो आप लोग मेरे साथ हैं, चलें देखते हैं कि क्या चीज़ पसंद आती है। किस्सा मैंने आप लोगों के साथ शेयर करना था। अभी हम लोग ATM पे रुके हैं तो जब तक वहाँ ATM का काम हो रहा है उतनी देर तक मैं जल्दी जल्दी आप लोगों के साथ किस्सा शेयर करती हूँ। हुआ जनाब ये था कि हमारे घर में शुरू में जो अप्लायंसेस यूज़ होते थे वो थे पेल के। पहले शुरू में हम लोगों पेल से स्टार्ट लिया था, हमारे घर में हर चीज़ पेल की होती थी। तो हमारे घर में जो रेफ्रिजरेटर था, फ्रिज था, वो भी पेल का था। तो एक दफ़ा हमारे एक रिलेटिव थे, उनकी एक बेटी थी, वो आई गाँव से, तो उनको रेफ्रिजरेटर लेना था और उनको पहली बार ज़िंदगी में लेना था। तो उनको जनाब जी पता नहीं था कि क्या चीज़ लेनी चाहिए क्या नहीं लेनी चाहिए। तो उन्होंने ना हमारे घर वालों से और हम लोगों से रिक्वेस्ट किया कि आप लोग हमारे साथ मार्केट चलें। तो हमने कहा ठीक है, हम आपके साथ चलते हैं। तो रास्ते में ना मैंने उनकी बेटी से पूछा कि आपको क्या लेना है। तो उसने कहा कि मुझे रेफ्रिजरेटर लेना है डॉलेंस कंपनी का। तो मैंने उनसे कहा कि आपको पेल लेना चाहिए क्योंकि पेल के जो कंप्रेसर्स हैं वो इम्पोर्टेड होते हैं। तो उसने कहा नहीं नहीं, मैंने डॉलेंस ही लेना है। तो मैंने कहा आप पेल को क्यों अच्छा नहीं कह रही हैं और डॉलेंस को ही आप क्यों इतना एम्फसाइज कर रही हैं। तो आपको पता उसने क्या कहा? उसने कहा कि नहीं, मुझे डॉलेंस इसलिए लेना है क्योंकि डॉलेंस रिलायबल है। तो हंस हंस के हम लोग पागल हो गए कि मतलब आप ये समझते हो कि कमर्शियल के अंदर जब वो आपको बता रहे होते हैं कि ये डॉलेंस रिलायबल है तो क्या सिर्फ डॉलेंस ही रिलायबल है, बाकी रिलायबल नहीं है? तो मतलब वो बेचारे गांव के जो देहाती लोग होते हैं ना, वो बड़े सीधे साधे होते हैं, वो समझते हैं कि ऐड के अंदर जो आपको उसके स्पेक्ट्स बताए जा रहे हैं, स्पेसिफिकेशंस बताई जा रही हैं, वही होता है। तो खैर उन्होंने डॉलेंस ही लिया। तो हम लोग बचपन से लेके बड़े हो गए जनाब, हम पेल लिया। पेल के बाद हमारे घर में इलेक्ट्रोलक्स भी आया, इलेक्ट्रोलक्स के अलावा हमारे घर में ओरिएंट भी आया, हमारे घर में फिलिप्स भी आया, तो सैमसंग भी आया और अभी डॉलेंस का मेरा दिल चाह रहा है। अब आप कहोगे इतने अच्छे अच्छे ब्रांड के बाद डॉलेंस का क्यों दिल चाह रहा है? तो वो इसलिए कि पता नहीं क्यों बस मुझे दिल में ये आ रहा है कि मैंने सारे ब्रांड्स यूज़ करके देख लिए हैं तो डॉलेंस को भी आजमाने में क्या हर्ज है, क्योंकि डॉलेंस तो रिलायबल है। तो यहाँ पर हम लोग करतबा चौक यानी कि टेम्पल रोड पर आ गए हैं और अभी दोपहर का टाइम है लेकिन उसके बावजूद काफ़ी रश है यहाँ पर। लेकिन कोशिश ये है कि जल्दी जल्दी मार्केट पहुँचूँ और अपनी ड्रीम फ्रिज जो मुझे चाहिए वो मैं ले लूँ। तो फाइनली हमें पार्किंग मिल गई है, बहुत मुश्किल से पार्किंग मिली है लेकिन थैंक गॉड जिस वक्त हम आए हैं तो गाड़ी निकल गई और हमें पार्किंग की जगह मिल गई। तो अब मार्केट में चलते हैं और देखते हैं क्या लेना है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ब्रांड्स हैं, बहुत ही सारे ब्रांड्स हैं। तो बेसिकली ये है जी आबिद मार्केट और यहाँ पर तमाम आपको ब्रांड्स मिल जाते हैं, हर तरह की इलेक्ट्रॉनिक्स और होम अप्लायंसेस आपको यहाँ से मिलती हैं। हम लोग यहाँ पर अंदर बाज़ार के आ चुके हैं और अब मैं शॉप्स के अंदर जाऊँगी और देखूँगी कि क्या क्या मेरे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं, मैं क्या क्या ख़रीद सकती हूँ, क्या मुझे चीज़ पसंद आती है।
तो मैंने कहा कि आप लोगों के लिए कैप्चर करके आपको मार्केट दिखाऊं, क्योंकि बहुत सारे लोग ये नाम तो सुना होता है आबिद मार्केट का, उन्होंने शायद देखी नहीं होती है। तो जनाब ये है आबिद मार्केट, जहाँ पे आपको ओरिएंट, हायर और चाइनीज़ और हर तरह के ब्रांड्स मिलते हैं। अनफॉर्चुनेटली हम लोग जितना डॉलेंस का नाम सुनते हैं उतना ही मुझे यहाँ पे डॉलेंस नज़र नहीं आ रहा, बल्कि मुझे यहाँ पर ग्री नज़र आ रहा है, पेल नज़र आ रहा है, फिर इसके बाद मुझे सैमसंग नज़र आ रहा है, हायर नज़र आ रहा है। अगर मुझे डॉलेंस की कोई इक्का दुक्का चीज़ें नज़र भी आ रही हैं तो वो मुझे कोई लेटेस्ट नहीं नज़र आ रही, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे पुराना है। क्योंकि जब मैं आप लोगों के लिए व्लॉग कैप्चर कर रही थी तो उस वक्त जनाब जी मैं 3-4 शॉप्स पे पहले ही होकर आ गई थी, और अब मैंने आप लोगों के लिए ये थोड़ा कैप्चर किया था कि मैं आपको दिखा सकूँ। मुझे फुल साइज़ का फ्रिज नहीं मिल रहा था, हायर में मुझे ऑप्शंस मिल रहे थे, हायर में बहुत सारी चीज़ें थी, ग्री में बहुत सारी चीज़ें थी, पेल में बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन डॉलेंस में मुझे कुछ ऐसा नज़र नहीं आ रहा था कि मैं उसे परचेज़ करूँ। तो हम लोग वापस निकल आए हैं और कोई चीज़ नहीं ली। उसकी रीज़न ये है कि मार्केट के अंदर इस वक्त इतनी मंदी है कि कस्टमर डिमांड पे जो वहाँ पे ब्रांड्स हैं उसमें मुझे वो चीज़ नज़र ही नहीं आ रही जो मुझे चाहिए। ख़ास तौर पे ये पहली बार ऐसा हुआ कि मार्केट में आपको कोई चीज़ नहीं मिली जो मेन गढ़ है लाहौर का, क्योंकि लाहौर मतलब बड़े सिटीज़ में है और सबसे ज़्यादा जो मेन मार्केट है वो भी यही है। लेकिन अफसोस, खैर अभी हम देखते हैं, अगर हमें हाइपर स्टार से मिल जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं तो फिर इतनी जल्दी क्या है। फ्रिज तो मिला नहीं है, चलो कबूतर ही नज़र आ गए हैं, और वो भी जंगली कबूतर। लाहौर में जो लोग रहते हैं वो सब जानते हैं कि यहाँ पे जगह जगह दाना पानी इनके लिए पड़ा होता है। हमारे घरों की छतों के ऊपर भी ये लोग कबूतर आके रहते हैं, उड़ते हैं, बहुत प्यारा लगता है, बिल्कुल नेचर के करीब। कोरोना वायरस को लेकर यहाँ पे जगह जगह बोर्ड्स लगा दिए गए हैं, लेकिन लोगों को कोई ख्याल नहीं। तो अभी हम लोग आ गए हैं जनाब, कहाँ पर हम आ गए हैं, फोर्ट्रेस, और अब हम जाएंगे यहाँ से हाइपर स्टार। और ये है जनाब फोर्ट्रेस मार्केट, और यहाँ पर ये एंट्रेंस है, यहाँ से एंटर होकर आप लोग एक पास लेते हैं, टिकट लेते हैं, उसके बाद अंदर चले जाते हैं, और लेफ़्ट साइड पे जैसे ही आप मुड़ते हैं तो सामने जाकर थोड़ा सा राइट हो तो आपको मिल जाता है हाइपर स्टार। हाइपर स्टार मार्केट बहुत बड़ी है, ये देखें इतनी बड़ी मार्केट जो है ये सारी की सारी हाइपर स्टार ही है। इसमें डिफरेंट डोर्स बने हुए हैं जहाँ से आप एंटर होकर ऊपर के फ्लोर पे भी अपनी गाड़ी जो है वो पार्क कर सकते हैं। तो हम लोग ये बैक साइड का जो मेन दरवाज़ा है या एंट्रेंस है यहाँ से जाएंगे, और ये देखिए जी मुड़ गए हम लोग, ये 7th नंबर है, यहाँ से हम लोग एकदम ऊपर गए। वाह, और ये वाली जो है ना ड्राइव, ये मुझे बड़ा मज़ा आता है इसका। आज आसमान पे खूबसूरत बादल भी हैं और खिला खिला सा मौसम लग रहा है, लग ही नहीं रहा कि ये पाकिस्तान है। खूबसूरत खुला हुआ साफ शफाफ मौसम। हम लोग आ गए हैं ऊपर के फ्लोर पे, हमने अपनी गाड़ी पार्क की है। हाइपर स्टार आ गई हूँ, अब अल्लाह करे कि यहाँ से हमारी डिज़ायर्ड चीज़ मिल जाए। और मुझे ये भी डाउट है कि इस वक्त 6:30 हो रहे हैं, कहीं हाइपर स्टार 6:30 बजे बंद ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि हमें एंट्रेंस ही ना मिले। और अब बारी है एंटर होने की। अभी क्योंकि दिन का वक्त है तो इतना ज़्यादा रश नहीं है, अदरवाइज़ तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता है। वैसे भी कोरोना SOPs का ख्याल रखा जा रहा है, पहले यहाँ पे चेकिंग के लिए बहुत सारा अमला होता था, लेकिन अब कोई भी नहीं है, ऑटोमेटिक सारा सिस्टम इन्होंने कर दिया है, खुद ही दरवाज़े खुल जाते हैं। दरवाजे तो पहले भी खुलते थे लेकिन अमला होता था जो चेक करता था। बहरहाल वो वाली रौनक नहीं है जो पहले हुआ करती थी हाइपर स्टार में। तो ये है जी ऊपर का फर्स्ट फ्लोर, वो सामने है जी फ्रिज लगी हुई, और डबल डोर भी नज़र आ गई है, लेकिन डॉलेंस नहीं है ये। तो जनाब इन्होंने भी मुझे यही डिसअपॉइंट किया है कि जो फ्रिज मुझे चाहिए वो यहाँ पर इनके पास अवेलेबल नहीं है, और इनका यही कहना है कि उसके लिए हमें ऑर्डर करना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने इनकी वॉइस इसलिए म्यूट कर दी थी क्योंकि पीछे नुसरत फ़तेह अली खान, राहत फ़तेह अली खान के गाने लगे हुए थे, और अगर वो गाने मैं आपको सुनवा देती तो मुझे कॉपीराइट क्लेम आ जाता। इसलिए मैंने आपको बता दिया है कि वो मुझे कह रहे हैं कि आपको 2 दिन इंतज़ार करना पड़ेगा, लेकिन मैं ऐसे जाना नहीं चाहती। फ्रिज हमें नहीं मिला, उन्होंने कहा है कि आपको 2-3 दिन तक इंतज़ार करना पड़ेगा, जब हमारे पास न्यू स्टॉक आएगा फिर ही आप लोग आके ले सकते हैं। तो अब हमने ये डिसाइड किया है कि फ्रिज तो 2-3 दिन तक आके लेंगे, लेकिन उतनी देर तक ये जो इतना बड़ा हाइपर स्टार है यहाँ से शॉपिंग कौन करेगा, तो सोचा है कि शॉपिंग कर लेते हैं। अभी तक मैंने सिर्फ 2-3 चीज़ें ली हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। हाइपर स्टार में आऊँ ना तो पागलों की तरह बस चीज़ें शॉप करना शुरू कर देती हूँ। और ये जो बैट बॉल है ये मेरे भांजे का है, ये हमने जो लिया है। हाँ जी, अब बताएं क्या ये स्पेक्स आपका सर चॉपर हो गया, जिसके अंदर आप कीमा वगैरह खा सकते हैं या सब्जी वगैरह चॉप खा सकते हैं।
ये आपके स्लाइसर कटर वगैरह होगा जिसके अंदर गाजर मूली कद्दूकश करते हैं आप, हर तरह का सलाद इसके अंदर बन जाएगा। ये आपका सिट्रस हो गया जिसके अंदर आप मौसमी वगैरह का जूस कर सकते हैं, और गाजर का जूस, गाजर का जूस इसके अंदर होगा। ठीक है, इसके अंदर सिट्रस अलहदा होता है, गाजर अलहदा होती है। ये आपका ग्राइंडर हो गया मसाला वगैरह के लिए, और ये ब्लेंडर हो गया शेक के लिए। ये आपका डो मेकर हो गया पेस्ट वगैरह बनाने के लिए। ये आपकी कंप्लीट। प्राइस कितनी है इसकी? 26,000 समथिंग है। 26,000 कंपनी का, और 10% आप कह रहे हैं बढ़ने वाला। ओके, जूसर तो मैंने ले लिया है, उसकी बड़ी ज़रूरत थी और मैंने अच्छे वाला लिया है। यहाँ पे मुझे मिरर्स नज़र आ रहे थे तो मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए इसे शूट करूँ, और जब मैं इंशाल्लाह अपना नया घर बनाऊँगी तो मैं उसमें इस तरह के मिरर ही मिरर लगाऊँगी, क्योंकि लड़कियों का एक शौक होता है। इसके अलावा हाइपरस्टार में इतना कुछ था कि इतने ऑप्शंस होते हैं कि ना चाहते हुए भी आप कुछ ना कुछ उठा के जो है ना वो ट्रॉली में रखते जाते हो, और फिर आपका अच्छा खासा ठीक ठाक बिल बन जाता है, क्रॉकरी से लेकर बॉटल्स तक, और प्लास्टिक आइटम से लेकर जनाब जी फर्नीचर तक, और पता नहीं क्या क्या। यहाँ पर मैंने पानी की बॉटल्स ली हैं, टिफ़िनस लिए हैं, स्टोरेज बॉक्सेस मैंने लिए हैं, और बहुत कुछ है जो मैंने उठा उठा के इसमें डाल दिया है। तो पूरी शॉपिंग भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मैंने क्या क्या लिया है। शॉपिंग तो मैंने सारी कर ली है, और अब बारी है बाहर जाने की, बाहर निकलने की। कैमरा मैंने इसलिए डाउन कर दिया था क्योंकि वहाँ पर उनके जो लोग थे वो शूट नहीं करने दे रहे थे, फिर भी मैंने आप लोगों के लिए देखें हाहा चोरी चोरी शूट कर लिया है। ये है एग्ज़िट, यहाँ पर जनाब जी बच्चे लगे हुए हैं अपने काम, क्योंकि बच्चे हैं मन के सच्चे, और अब हम निकलते हैं बाहर। अच्छा खासा बिल बन गया है मेरा, और मैं आप लोगों के साथ अगले व्लॉग में पूरी तरह से शेयर करूँगी कि मैंने क्या क्या चीज़ ली है, कितने में ली है। रात हो चुकी है बाहर, आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि मैंने कितनी शॉपिंग की होगी। मतलब दोपहर को हम यहाँ आए थे और शाम को हम लोग यहाँ से रात को जा रहे हैं। वेदर बहुत ही कमाल हुआ है, और ये जनाब जी हमारा सारा सामान शिफ्ट करेंगे अब गाड़ी के अंदर। हाय अल्लाह, चल चल के बुरा हाल हो गया। हाँ जी, वो चाहिए। अंकल हमारा सामान छोड़ने आए थे बाहर तक, तो मैंने इनको पैसे दिए। मेरा हाल देखें आप, मैं बेहोश होने वाली हूँ मास्क लगा लगा के, लिटरली पाँव की एड़ियाँ भी दुख रही हैं। हवा अच्छी चल रही है, लेकिन इतनी शॉपिंग करो और कुछ खाओ पियो ना, ऐसा हो नहीं सकता। इसलिए मैंने कुछ खाने का सोचा है, और जो मैंने शॉपिंग की है उसके ऊपर मैं अलग से पूरा एक डिटेल्ड व्लॉग बनाऊंगी अगले वाला, ताकि उसमें मैं प्राइसेस के साथ मेंशन कर सकूं कि मैंने क्या क्या लिया है, कितने में लिया है, और कैसे लिया है। ये की आज का व्लॉग यहीं पर करते हैं ख़त्म। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह नेगेबान।